नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आर्यन गुंदल और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के संभाग। खास बच्चे हैं पास संभाग, उनको पढ़ते हैं। तो देखिए मैप की सहायता से कौन सा संभाग में कौन कौन से जिले हमारे पास हैं। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो इनको याद करने के लिए हमारे पास है 100 ट्रिक है। उदय, प्रताप, प्राची में डूबा, उदय, प्रताप, रांची में डूबा, उदय, प्रताप, प्राची में डूबा। तो उदय से हमारे पास जो यहाँ पे जिला हो जाएगा उदयपुर, प्रताप से बात करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास जिला है प्रतापगढ़। याद रखिए इसे हैं राजस्थान का सबसे नवीनतम जो जिला हमारे पास है वो कौन सा है, प्रतापगढ़ है, जो कब बना था, 26 जनवरी 2008 को। कौन सी समिति की सिफारिश बना था ये जिला, तो याद रखें परमेश चंद समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट आगे बात करें हम, रहसे हमारे पास जो जिला होगा वो होगा राजसमंद। राजस्थान के तिलक की आकृति का जिला कौन सा हमारे पास है, राजसमंद जिला। नेक्स्ट आगे बात करें हम, हमारे पास जिला है चित्तौड़गढ़, तो हमारे पास ये है चित्तौड़गढ़, तो याद रखें परमाणु नगरी रौतबाटा चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट बात करेंगे हम, हमारे पास जो जिला है वो होगा डूंगरपुर। डूंगरपुर जिसे कहा जाता है पहाड़ों की नगरी, गलियाकोट बहुत फेमस जगह हमारे पास डूंगरपुर में है। तो क्वेश्चन बन गया आता है कि गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप याद रखें माई नदी के किनारे। आगे बात आती है कि गलियाकोट क्यों फेमस है, गलियाकोट क्यों प्रसिद्ध है, तो याद रखें संत फकरुद्दीन की दरगाह के लिए गलियाकोट फेमस है, रमकड़ा उद्योग के लिए गलियाकोट प्रसिद्ध है, और दाऊदी बोरा संप्रदाय का उर्स भी यहाँ पे लगता है। तो याद रखना गलियाकोट किस जिले में है, डूंगरपुर में। नेक्स्ट हमारे पास है बांसा, हमारे पास जिला कौन सा आएगा, बांसवाड़ा। बांसा हमारे पास जिला कौन सा हो गया, बांसवाड़ा। सर्वाधिक बांस किस जिले में है, बांसवाड़ा में। सर्वाधिक केले का उत्पादन बांसवाड़ा में। आम पापड़ कहाँ के फेमस है, बांसवाड़ा के। सोने की खान भी हमारे पास कहाँ पे है, बांसवाड़ा में। आनंद पूर्भुकिया जो हमारे पास गांव है वो सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारे पास ये छह जिले हमारे पास हैं, और संभाग कौन सा जाएगा यहाँ पे है, उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग है, उदयपुर संभाग। तो बात करते हैं हम अब उदयपुर संभाग के जिले हमने पढ़े हैं, अब उदयपुर संभाग की क्या विशेषता है वो देखते हैं। उदयपुर संभाग, तो उदयपुर संभाग में जिले कितने हो गए हमारे पास, छह जिले हैं उदयपुर संभाग के। यहाँ बात करते हैं हम नंबर वन पहली विशेषता, उदयपुर संभाग की पहली विशेषता होगी सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला संभाग। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग, यानी सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो किस संभाग में है, उदयपुर संभाग में। यदि हम बात करते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो हमारे पास उसका आंसर क्या होता, डूंगरपुर। यदि जिला पूछे तो आंसर डूंगरपुर होगा, संभाग पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, उदयपुर हो जाएगा। लिंगानुपात क्या होता है, याद रखें 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होगी वो क्या कहलाता है, लिंग अनुपात कहलाता है। नेक्स्ट आगे बात करें हम कि सर्वाधिक तो यहाँ पे जिले की दृष्टि से है, यदि क्वेश्चन आ जाए कि न्यूनतम लिंग अनुपात किस जिले में है, तो फिर हमारे पास आंसर क्या होगा, धौलपुर होगा, जो राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। दूसरी जो विशेषता हमारे पास यहाँ पे है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस संभाग में पाई जाती है,
तो हमारे पास है उदयपुर संभाग, और इसे क्या कहा जाता है एसटी। और एसी की जो बात की थी हमने नेक्स्ट, इससे जो पहले वीडियो बनाया था मैंने, तो वहाँ पे एसी, तो यानी वो थी हमारे पास थी जयपुर में, जयपुर संभाग में सर्वाधिक एसी है, उदयपुर संभाग में सर्वाधिक एसटी है। तीसरी जो विशेषता हमारे पास इसकी है वो जाएगी सर्वाधिक कार्यशील वाला संभाग, सर्वाधिक कार्यशील वाला संभाग कौन सा होगा हमारे पास, उदयपुर संभाग। इसको ये हमारे पास है पूरा टीएसपी क्षेत्र, कौन से क्षेत्र है टीएसपी, याद रखना टीएसपी में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं, तो टीएसपी में राजस्थान के 8 जिले शामिल हैं। टीएसपी ट्राइबल सब प्लान, तो 8 जिलों की बात करेंगे हम। एक तो हमारे पास है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये तीनों जिले संपूर्ण जिले शामिल है, यानी इनकी सभी तहसीलें इसमें शामिल की गई है, किसमें टीएसपी में। उसके बाद उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, और यहाँ बात करेंगे सिरोही, और हम बात करेंगे पाली। जो हमारे पास ये जिले हैं 5, इनमें से स्पेशल कुछ तहसील ली गई हैं, तो मैं आपको एक वीडियो के अंत में इस टीएसपी क्षेत्र की पूरी लिस्ट दे दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमारे पास ये है टीएसपी में जिले कितने हो गए यहाँ पे, 8 जिले हो गए यहाँ पे हमारे पास। नेक्स्ट ये हमारे पास है उदयपुर संभाग की विशेषता, आगे बात करें हम सर्वाधिक जिलों वाला संभाग, सर्वाधिक जिले किस संभाग में है, तो याद रखें उदयपुर संभाग में। यदि हम बात करें जिले की, तो हमारे पास उदयपुर जिला हो जाएगा, यानी इसे जिलों की नगरी किसे कहते हैं, हम उदयपुर को। नेक्स्ट जो संभाग हमारे पास आता है वह जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग की क्या विशेषता है वह देखते हैं हम। पहले तो याद करते हैं जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसकी हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, जोधपुर संभाग की 3JJ है, और ये बासपा, क्या हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है 3JJ है और बासपा, जैसे क्या बन गया हमारे पास जोधपुर। फिर जब हमारे पास नेक्स्ट जैसे बात करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा जैसलमेर, फिर यहाँ बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा जालौर, ये जालौर जिला हो जाएगा। बासे बनाएंगे हम क्या यहाँ पे बाड़मेर, और से क्या बनाएंगे यहाँ पे हम सिरोही, और पासे क्या बनाएंगे हम यहाँ पे पाली। तो हमारे पास ये वो जिले हैं जो कौन संभाग में आ जाएंगे, जोधपुर संभाग में, यानी जोधपुर संभाग की विशेषता देखते हैं। नेक्स्ट हम जोधपुर संभाग, सोमबुख जोधपुर संभाग में जिले कितने आते हैं, 6 जिले आते हैं। अब क्या विशेषता है वह देखते हैं हम। पहली विशेषता की बात करते हैं, राजस्थान का जो सबसे बड़ा संभाग हमारे पास है वो कौन सा है, जोधपुर संभाग है। तो यहाँ लिखते हैं हम राज्य का सबसे बड़ा संभाग, राज्य का सबसे बड़ा संभाग हमारे पास कौन सा हो गया, जोधपुर। और बात करेंगे हम किसकी दृष्टि से हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट हमने बात की थी कि सर्वाधिक जनसंख्या किस संभाग में पाई जाती है, तो वहाँ पे आंसर था हमारे पास जयपुर। हमने बात की थी कि न्यूनतम जनसंख्या किस संभाग में पाई जाती है, तो वहाँ पे आंसर था हमारे पास कोटा। फिर हमने बात की थी कि सर्वाधिक जनघनत्व किस संभाग का है, तो हमारे पास था जयपुर। अब बात करेंगे हम कि न्यूनतम जनघनत्व किस संभाग का है, तो हमारे पास होगा जोधपुर। तो न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग वो हमारे पास हो गया जोधपुर। फिर हम बात करेंगे हम
कि सर्वाधिक साक्षरता दर किस संभाग की थी, तो वहाँ पे आंसर था हमारे पास जयपुर। अब बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता दर वाला संभाग, तो हमारे पास कौन सा हो गया, जोधपुर। यदि पूछे हो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला, तो आंसर क्या होगा, जालौर। तो जालौर भी किस संभाग में शामिल है, याद रखें जोधपुर संभाग में। नेक्स्ट बात करें हम न्यूनतम वर्षा तथा आर्द्रता वाला संभाग, न्यूनतम वर्षा और न्यूनतम आर्द्रता किस संभाग की हमारे पास है, जोधपुर संभाग की। जस्ट इसका अपोजिट करें हम कि सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक आर्द्रता तुम्हारे पास था वो कोटा संभाग। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर हम, हमारे पास है जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग, ये से दोनों संभाग, दो संभाग हमारे पास हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, यानी ये क्या हो जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभाग। अब यह बात करें तो जोधपुर की तो नहीं लगती, लेकिन जोधपुर में जो जिला आता है जैसलमेर और बाड़मेर, इन दोनों की सीमा लगती है किससे, पाकिस्तान से। पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा बनाता है जैसलमेर 464, और हम बात करें बाड़मेर तो यहाँ लगती है पाकिस्तान के साथ 228। तो नेक्स्ट हमारे पास है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा जाएगा हमारे पास, जोधपुर। क्योंकि यहाँ पे आप देखें अंतर्राष्ट्रीय हमारे पास है सर्वाधिक, तो एक तो हमारे पास है जैसलमेर की सीमा लगती है यहाँ पे, और नेक्स्ट बात करें हम, हमारे पास यहाँ पे लगती है बाड़मेर की सीमा। तो हमारे पास है 464 प्लस 228, दोनों को जोड़े हम तो हमारे पास कितनी सीमा हो जाएगी है, 2 9, और नेक्स्ट बात करेंगे हम तो यह 6692, यानी दोनों जिलों की सीमा होगी हमारे पास पाकिस्तान के साथ 692। तो ये हमारे पास है जोधपुर के बड़े हम, हमारे पास संभाग आएगा वो बीकानेर संभाग। नेक्स्ट हमारे पास है बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग की क्या विशेषता है वह देखते हैं हम। बीकानेर पहले बात करते हैं हम कि इस बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले आएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 100 ट्रिक है, हनु बीच गंगा, क्या हमारे पास यहाँ पे 100 ट्रिक, हनु बीच गंगा, किस संभाग को याद करने की 100 ट्रिक है, बीकानेर संभाग। तो हनु से क्या बन जाता है हमारे पास, हनुमानगढ़, हनु से क्या बन जाएगा हमारे पास, हनुमानगढ़, और बी से क्या बन गया, बीकानेर, चे से क्या बन गया हमारे पास, चूरू, और गंगा हमारे पास है श्री गंगानगर। तो हमारे पास ये बीकानेर संभाग को याद करने की 100 ट्रिक है, और ट्रिक कौन सी हो जाएगी, हनु बीच गंगा। इसे आप बार बार प्रैक्टिस में लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी परमानेंट, और आप भूलने वाला नहीं है कि कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो याद रखें हनु बीच गंगा, हनु से हनुमानगढ़ हो जाएगा, बीच से बीकानेर हो जाएगा, चे से हमारे पास चूरू हो जाएगा, और गंगा से श्री गंगानगर हो जाएगा। बीकानेर संभाग की क्या विशेषता है वह देखते हैं नेक्स्ट। बीकानेर संभाग,
पहली बात है बीकानेर संभाग में कितने ज़िले आते हैं, तो हमारे पास ज़िले कितने हो जाएंगे, चार ज़िले हो जाएंगे। अब चार ज़िले हो गए हमारे पास, तो याद रखें बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। पहली विशेषता लिखते हैं हम, न्यूनतम नदियों वाला संभाग। याद रखें न्यूनतम नदी वाला संभाग कौन सा कहलाएगा, बीकानेर, जबकि सर्वाधिक नदी वाला संभाग कौन सा था हमारे पास, वो था हमारे पास यहाँ पे कोटा। बीकानेर संभाग में हमारे पास दो जिले ऐसे हैं जहाँ नदियाँ नहीं पाई जाती हैं, एक तो बीकानेर होगा और दूसरा हमारे पास चूरू होगा। क्वेश्चन किस तरह से बन के आता है, क्वेश्चन आया कि शेखावाटी के किस जिले में नदी नहीं पाई जाती, अब उसने है शेखावाटी, तो ऑप्शन में आपको बीकानेर भी देगा और चूरू भी देगा, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो चूरू होगा, बीकानेर नहीं हो सकता, क्योंकि उसने पूछा है शेखावाटी के किस जिले में नदी नहीं पाई जाती, तो शेखावाटी के अंदर चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये तीनों जिले आते हैं, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, चूरू होगा। अब देखिए पहली विशेषता होगी हमारे पास न्यूनतम नदियों वाला संभाग, दूसरी विशेषता हमारे पास है सर्वाधिक नहरी सिंचित क्षेत्र वाला संभाग। सर्वाधिक नहरों जो सिंचाई होती है वो किस संभाग में होती है, बीकानेर संभाग में। याद रखना श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में सर्वाधिक नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। आगे बात करें हम जोधपुर संभाग की, बात की थी हमने कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग, यहाँ बात करेंगे हम न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग, याद रखें इस बीकानेर संभाग में जो सीमा बनाएंगे, एक तो बीकानेर और एक श्रीगंगानगर, बीकानेर की लगती है 168 और श्रीगंगानगर लगती है 210, तो हम यहाँ ऐड करेंगे तो हमारे पास 378। तो याद रखें ये, यानी सर्वाधिक तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो जोधपुर संभाग की है, और न्यूनतम की बात करेंगे तो बीकानेर संभाग की है। यदि हम बात करें कि न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो उसका आंसर होगा हमारे पास बीकानेर, बीकानेर हमारे पास आंसर होगा। और सर्वाधिक की बात करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा जैसलमेर 464। एक टॉपिक आएगा हमारे पास राज्य की स्थलीय सीमा, इसी के बाद वो टॉपिक आने वाला है, यानी क्रम से पढ़ते चलेंगे हम चैप्टर बाय चैप्टर। तो पहला टॉपिक पढ़ाता हमने स्थिति विस्तार, दूसरा टॉपिक पढ़ाता हमने राज्य के जिले, कौन सा जिला कब बना, तीसरा टॉपिक हमारे पास आ रहा ही है राज्य के संभाग, अब जो टॉपिक होगा वो होगा राज्य की स्थलीय सीमा। तो आप प्रत्येक टॉपिक को लेक्चर वन लेक्चर टू इस तरह से आप देखते चलिए, और आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एक है नेक्स्ट हमारे पास जो बीकानेर संभाग है, ये नंबर 5 पे है। पहला संभाग तो पढ़ा था हमने यहाँ पे जयपुर, दूसरा हमारे पास था कोटा, तीसरा हो गया हमारे पास उदयपुर, नंबर 4 हो गया हमारे पास जोधपुर, और नंबर 5 हो गया बीकानेर। अब उसके बाद हमने दो संभाग और बने हमारे पास से बाद में, ये तो प्रारंभ के 5 संभाग थे, प्रारंभ में संभाग हमारे पास थे 5, हो गए कंप्लीट। अब नंबर 6 पे जो संभाग हमारे पास है अजमेर, और वह है कब बना था, 26 जनवरी 1987 को, और उस समय हमारे पास सीएम थे हरिदेव जोशी और राज्यपाल थे बसंत राव पाटिल। तो देखिए अब अजमेर, अजमेर के बाद फिर हम लेंगे भरतपुर। ये राजस्थान का मैप, तो बात करते हैं नेक्स्ट अब अजमेर संभाग की, बात करेंगे राजस्थान का जो मध्यवर्ती संभाग हमारे पास है वह अजमेर कहलाएगा, ये अजमेर, अजमेर संभाग।
सबसे पहली बात तो अजमेर संभाग को याद करने की 100 ट्रिक क्या है। अजमेर संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो अजमेर संभाग में ज़िले हमारे पास होंगे 4। 100 ट्रिक हमारे पास है यहाँ पे, अबीना टोक। 100 ट्रिक क्या हो गई? अबीना टोक। ऐसे क्या बन गया? अजमेर। बी से क्या बन गया हमारे पास? भीलवाड़ा। राजस्थान का आयताकार जिला कौन सा है? तो याद रखें भीलवाड़ा। राजस्थान का आयताकार जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। टेक्सटाइल सिटी किसे कहेंगे? भीलवाड़ा को। अभ्रक नगरी किसे कहेंगे? भीलवाड़ा को। नेक्स्ट ना से हमारे पास है नागौर। ये हमारे पास है नागौर। मकराना क्यों फेमस है? वाइट संगमरमर के लिए। याद रखना पूरे भारत में फेमस है मकराना नागौर सफ़ेद संगमरमर के लिए। और हमारे पास यहाँ पे डेगाना नागौर वो फेमस है टंगस्टन के लिए। और यहाँ ही बात करेंगे हम परवसर नागौर। याद रखना आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला तेजाजी पशु मेला कब लगता है? तेजाजी पशु मेला तो याद रखें भादवे की शुक्ल पक्ष की दसवीं को लगता है तेजाजी पशु मेला। परवसर नागौर का पूरे राजस्थान में फेमस है। नेक्स्ट बात करें हम टोंक। तो हमारे पास यहाँ पर जो ज़िला है ये होगा टोंक, जिसे कहा जाता है नवाबों की नगरी टोंक। और टोंक जिले में हमारे पास एक बांध है जिसका नाम है बीसलपुर बांध। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? बीसलपुर बांध। जो बीसलपुर बांध है वो कौन सी नदी पर है? तो याद रखें बनास नदी पर। ये हमारे पास 4 जिले हैं। ये 4 जिले हमारे पास हैं अजमेर संभाग के हैं। अब बात करते हैं हम अजमेर संभाग की क्या विशेषता है। अजमेर संभाग जिले हो जाएंगे 4। पहली विशेषता हमारे पास अजमेर संभाग की, राज्य का मध्यवर्ती संभाग। राजस्थान का जो मध्यवर्ती संभाग है वो कौन सा होगा हमारे पास? अजमेर होगा। यदि क्वेश्चन पूछे हैं राज्य का मध्यवर्ती जिला तो हमारे पास आंसर क्या होगा? नागौर होगा। यदि क्वेश्चन पूछे हैं राज्य का मध्यवर्ती गांव कौन सा है तो हमारे पास आंसर होगा लापोलाई। डेगाना से 15 किलोमीटर दूर है डेगाना नागौर। लापोलाई डेगाना नागौर। यदि क्वेश्चन पूछे हैं सेटेलाइट की दृष्टि से राज्य का मध्यवर्ती गांव तो उसका आंसर होगा गगराना। गगराना डेगाना नागौर। तो याद रखें जब यदि वो क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य का मध्यवर्ती गांव कौन सा है तो वहाँ ऑप्शन में या तो लापोलाई आएगा या फिर गगराना आएगा। याद रखें मैं बात कर रहा हूँ गगराना। गगराना याद रखना एक होता है मकराना, तो मकराना अलग है, ये हमारे पास है गगराना। देखिए अजमेर संभाग की दूसरी विशेषता हमारे पास कौन सी हो जाएगी? अब सभी संभागों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग। अन्य जो संभाग हमारे पास इसके अलावा 6 हैं उन सभी संभागों की सीमा अजमेर संभाग से लगती है। या तो अजमेर से लगेगी या अजमेर संभाग के जो जिले हमारे पास हैं उनसे लगेगी। तो कहा जाता है कि सभी संभागों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? अजमेर संभाग। ये 2 विशेषता आपको याद रखनी है अजमेर संभाग में। पहली विशेषता है राज्य का मध्यवर्ती संभाग। क्वेश्चन यूं भी दे सकता है राज्य का केंद्रीय प्रवृत्ति वाला संभाग, तब भी आंसर अजमेरी होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति वाला संभाग। सभी संभागों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग भी कौन सा हो गया? अजमेर। हमारे पास लास्ट संभाग जो हमारे पास आता है वह ये नंबर 6 पे है। और नंबर 7 वाला जो संभाग है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो हमारे पास है भरतपुर संभाग।
भरतपुर संभाग में जिले कितने आते हैं? चार। देखते हो कौन कौन से हमारे पास हैं जिले हैं, तो यहाँ पे भरतपुर संभाग। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो एक शॉर्ट ट्रिक हमारे पास यहाँ पे है। तो वो हमारे पास जो शॉर्ट ट्रिक वो है BSC धौलपुर के नाम से। तो भरतपुर संभाग को याद करने की शॉर्ट ट्रिक है BSC धौलपुर। तो बी से क्या बन गया? भरतपुर। ऐसे क्या बनाएंगे हम? सवाई माधोपुर। ऐसे क्या बन जाएगा हमारे पास? सवाई माधोपुर। सी से याद रखें, ऐसे कैसे बनता है? करौली। लेकिन आपको यहाँ सी से याद रखना है, सी से बन जाएगा हमारे पास ये है करौली। डांग की रानी, केला मैया की भूमि। केला मैया का मंदिर किस नदी के किनारे है? तो याद रखना, केला मैया का मंदिर कालीसील नदी के किनारे। ये कालीसील है, और एक और हमारे पास है जो है होगी काली सिंध होगी। इस काली सिंध की बात करेंगे, इसका उद्गम MP से होता है, बागली गांव देवास MP से। जबकि इस काली सील की बात करेंगे, इसका उद्गम सपोटरा करौली से होता है। तो याद रखें, केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे हैं? तो केला देवी का मंदिर कालीसील नदी के किनारे। दोनों नदियां अलग अलग है। आगे हम बहुत पढ़ेंगे, वहां पर नदी हमारे पास आएगी, एक का नाम होगा मोरेल और एक पढ़ेंगे हम मोरेन, एक पढ़ेंगे आगे जाके हम गंभीरी, और एक पढ़ेंगे हम यहाँ पे गंभीर। तो बड़ी डिटेल के साथ आपको नदियाँ मैप की सहायता से बताई जाएगी, कौन सी नदियाँ किस जिले में प्रवाहित होती हैं और कौन सी नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो आगे बात कर रहे हैं हम यहाँ पे भरतपुर संभाग। तो भरतपुर संभाग के जिले हो गए सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, और हमारे पास यहाँ पे धौलपुर। तो यहाँ पे आ जाएगा ये धौलपुर, जो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है और राज्य का सबसे छोटा जिला भी है, जिसका क्षेत्रफल 30-34 वर्ग किलोमीटर है, 3034 वर्ग किलोमीटर। विशेषता में देखते हैं, पहली विशेषता, सबसे छोटा संभाग। राजस्थान का सबसे छोटा जो संभाग है वो कौन सा है? भरतपुर संभाग। तो याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरी विशेषता हमारे पास है न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग। न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा हो गया? भरतपुर हो गया। यदि पूछता न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, तो आंसर होगा हमारे पास धौलपुर। यदि पूछे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग, तो आंसर होगा हमारे पास उदयपुर संभाग। तो यहाँ पे आई है न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग भरतपुर। यहाँ बात करेंगे राज्य का नवीनतम संभाग। राज्य का नवीनतम संभाग, और ये कब बना है? 4 जून 2005। कब बनाए हैं? 4 जून 2005 को। अब बात ये आती है कि भरतपुर संभाग बनने से पहले भरतपुर किस संभाग में था? तो हमारे पास जो चार जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। तो भरतपुर संभाग बनने से पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां लिखता हूं भरतपुर संभाग बनने से पहले, यानी जब भरतपुर संभाग नहीं बना था उससे पहले भरतपुर प्लस धौलपुर
दोनों जयपुर संभाग में थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें कि भरतपुर संभाग बनने से पहले धौलपुर किस संभाग में था, तो आंसर क्या होगा, जयपुर संभाग। और दो हमारे पास हैं, एक है करौली और एक हमारे पास है सवाई माधोपुर, ये हमारे पास थे कोटा संभाग में। तो दो जिले तो लिए हमने कोटा से हैं और दो लिए हमने जयपुर से हैं, और संभाग बनाया किसे हमने, भरतपुर को। भरतपुर जो संभाग बनाया गया था, तो मैंने आपको लिखवाया था पहले, वसुंधरा सरकार के द्वारा बनाया गया था, और उस समय हमारे पास जो राज्यपाल थी वो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो ये हो गया हमारे पास, यानी सातवां संभाग भरतपुर संभाग। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने यहाँ पे सात संभाग और सात संभाग के जिले और उनकी विशेषता, संभाग व्यवस्था बंद और पुनः प्रारंभ कब हुई थी, वापस मैं आपको थोड़ी सी वापस जानकारी दे देता हूँ मैप की सहायता से कि आप इन्हें कैसे याद करें। तो देखिए, इनको वापस रिवाइज करते हैं हम मैप की सहायता से, हैं कौन सा संभाग की लगभग क्या विशेषता है। ये हमारे पास राजस्थान का मैप, सर्वाधिक जनसंख्या किस संभाग की है, तो हमें याद है सर्वाधिक जनसंख्या हमारे पास है जयपुर संभाग की। इसका अपोजिट क्वेश्चन बनता है कि न्यूनतम जनसंख्या किस संभाग की है, तो हमारे पास है कोटा संभाग न्यूनतम जनसंख्या। यदि क्वेश्चन पूछे हैं कि सर्वाधिक जनगणना तो किस संभाग का है, तो जयपुर संभाग का है। अपोजिट बात करें हम कि न्यूनतम जनगणना तो किस संभाग का है, तो हमारे पास है जोधपुर संभाग का। यदि हम बात करें कि राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो जोधपुर है। अपोजिट बात करें हम राज्य का सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो हमारे पास हो जाएगा भरतपुर संभाग। हम बात करें हैं कि सबसे कम जो लिंग अनुपात है किस संभाग का है, भरतपुर का। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात किस संभाग का है, तो हमारे पास हो जाएगा उदयपुर संभाग। आगे बात करें हम कि सर्वाधिक नदियां किस संभाग में है, कोटा संभाग में। हम बात करें न्यूनतम नदियां किस संभाग में है, तो याद रखें बीकानेर संभाग में। सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक आर्द्रता किस संभाग में है, कोटा संभाग में। और न्यूनतम आर्द्रता और न्यूनतम वर्षा किस संभाग में हो जाएगी, हमारे पास जोधपुर संभाग में। आगे बात करें हम नेक्स्ट राज्य का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, तो हमारे पास वो हो जाएगा यहाँ पे अजमेर। राज्य का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, अजमेर। और सर्वाधिक संभागों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग भी कौन सा हो जाएगा, हमारे पास अजमेर। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे थे टॉपिक था राज्य के संभाग। तो हमने एक पार्ट तो पहले अपलोड किया और दूसरा पार्ट आपके सामने हमारे पास ये है। तो आपको शानदार तरीके से हैं ट्रिकों की सहायता से हैं हमने राजस्थान के संभाग के जिले याद किए हैं और उनकी विशेषता भी हमने देखी है। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।